शिक्षकों का इंसेंटिव हटाए। प्रधानमंत्री जी सारे भारत का 1,80,000 शिक्षकों का इंसेंटिव हटाए। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी सारे भारत का 1,80,000 शिक्षकों का इंसेंटिव हटाए। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी सारे भारत का 1,80,000 शिक्षकों का इंसेंटिव हटाए। भारत माता की वंदे, भारत माता की। मैं इंजीनियर देवाशीष होता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष NIOS DLED टीचर्स एसोसिएशन है। तो हम लोग जंतर मंतर पे आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 1,80,000 शिक्षकों का जो NIOS में DLED कोर्स किए थे 2017 से लेकर 19 तक बकायदा गवर्नमेंट का आदेश पे, तो उन लोगों को आज तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, उनको नॉट सर्टिफाइड करके लटका दिया गया है। इसके कारण उनका सारा नौकरी खतरे में चला गया है। तो हम लोग बार बार 2 साल से प्रधानमंत्री जी और केंद्र शिक्षा मंत्री जी को ये बता रहे थे, जाके समझा रहे थे, लेकिन वो लोग सुने नहीं। तो हम लोग 18 तारीख को सारे देश का हर जिले में इसको प्रदर्शन किया था और वो वहाँ पे बताए थे कि यदि वो नहीं करेंगे तो 29 से हम लोग जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन करेंगे, और यदि यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे तो हमारे जो शिक्षक लोग सारे आके दिल्ली में अभी रह चुके हैं, तो हम लोग फिर निर्णय करके फिर पार्लियामेंट पे जाके पार्लियामेंट मार्च करेंगे, पार्लियामेंट तक फिर जाएंगे। नितिन कुमार मेरा नाम है। इसमें एक मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली एलिजिबिलिटी कंडीशन लगा रखी है। हम लोग 50 साल की मेरी उम्र है, सर जो है ये रिटायरमेंट के आसपास हैं, ये 55 प्लस के हो चुके हैं। इसमें कंडीशन ये है कि प्लस टू को इम्प्रूव करिए, अब दोबारा से 25 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, अब आप 10 प्लस टू दोबारा इम्प्रूव करके 50% लाइए, जिसके 50% नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं हम लोग सारे। क्या राज्य सरकार नहीं सुन रही या केंद्र सरकार नहीं सुन रही? मामला केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार ने ही ये हम लोगों को ये करवाया था, लगभग 13-14 लाख टीचर्स को करवाया था, जिसमें कब करवाया था, कौन सेशन में किया? 2017-19 इस सेशन के अंदर ये करवाया गया था। तो ये मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है, इतने सालों के बाद जो है प्लस टू करने के लिए कंडीशन लगाना, इम्प्रूव करने के लिए। अगर नहीं केंद्र सरकार सुनती, आगे के कदम क्या उठाएंगे आप लोग? केंद्र सरकार को हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ जंतर मंतर पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं। कौन कौन से राज्य से आप इकट्ठे हुए? हम लोग उड़ीसा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और ये क्योंकि कोविड के कारण से हम लोग यहाँ सीमित संख्या में अनुमति है, अदरवाइज अन्य स्टेट से भी, हिमाचल से, पंजाब से भी लोग आए हुए हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।